कोशिश करता हूँ। साथियों, हमारे साथी अभी आप लोगों को बता रहे थे जो देश की स्थिति है, मैं दो चार शब्दों में बताना चाहूँगा। अभी जो देश है हमारा, चाहे वो बिहार हो या फिर पूरा देश हो, आज हमारी जिस सरकारें हैं वो सरकार नाम मात्र सरकारें हैं, और संविधान को ताक पर रख करके पूरा देश गुंडों के हवाले कर दिया गया है। आज पूरे देश को गुंडे अपने मर्जी के अनुसार चला रहे हैं। पूरे देश के अंदर अराजकता की स्थिति है। हम फिर से एक सभ्य समाज की ओर से, सभ्य समाज से हम लोग फिर से एक असभ्य और जंगली होने की ओर जा रहे हैं। हम लोग फिर से जंगली बनने जा रहे हैं। इस तरह की पूरे देश की स्थिति है। आप देख रहे हैं देश के अंदर आए दिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन देश के अंदर बड़ी बड़ी मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं, और उस मॉब लिंचिंग का ये आलम है, पहले तो ऐसा था कि किसी एक समुदाय के लोग, पहले लोग ये समझ रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ ही ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आज अगर आप देश को देखेंगे तो पता ये चलेगा कि यहाँ हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, मामला सही और गलत का है, मामला देशभक्ति का है। जो लोग समाज से, देश से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो देशभक्त है, ऐसे देशभक्तों को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे किसी भी समाज का रहने वाला हो। और उसका उदाहरण आप अभी देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में एक देशभक्त, एक सच्चा सिपाही, जो देश के अंदर असाम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी, उस दंगा की साजिश को नाकाम करने के लिए हमारी पुलिस का एक सच्चा जवान, जो उस दंगा को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया, जब वो जवान वहां जाकर के उस दंगा को, उस साजिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे समय में उस हमारे नौजवानों पर भी, उस नौजवान पर भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई, और उस पुलिस इंस्पेक्टर को भी मॉब लिंचिंग का शिकार बना दिया गया, और मॉब लिंचिंग में का शिकार होकर के हमारे वो पुलिस का जवान भी शहीद हो गया। तो साथियों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। मैं तमाम आम लोगों से अच्छा के लिए एकत्रित होंगे, और एकत्रित होकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, और हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।